आज भारत बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। शेख हसीना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुरुआत। दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर है जोर। आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 8 बजे देश विदेश के बड़े मुद्दों पर करेंगे संबोधित। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अमित शाह, अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आज से कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 2024 के चुनाव पर होगी चर्चा। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया की 5 दिन की और रिमांड बढ़ी। 22 मार्च को होगी अगली सुनवाई। शराब घोटाले में ईडी ने मांगी थी 7 दिन की कस्टडी। बाकी आरोपियों संग सिसोदिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की दी दलील। ईडी के मुताबिक 22 जुलाई को सिसोदिया ने बदला था अपना फोन। इसी तारीख को ही एलजी ने दी थी नई आबकारी नीति मामले में केस दर्ज करने की इजाजत। ईमेल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करने पर कोर्ट को दी टोक। कहा जेल में हो सकती है पूछताछ, कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं। मनीष सिसोदिया का बांग्ला आतिशी को मिला आतिशी को 6 विभागों की सौंपी गई जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। सिसोदिया से आतंकी जैसे सलूक का लगाया आरोप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर हमला। कहा पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी क्यों है। जेपी नड्डा ने कहा जब भी संसद सत्र शुरू होना होता है देश विरोधी का टूलकिट गैंग सक्रिय होता है। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। बोले देश में राहुल गांधी और कांग्रेस की कोई नहीं सुनता। जेपी नड्डा ने तीखे स्वर में कहा राहुल गांधी चुनी हुई सरकार का कर रहे हैं अपमान। पूरे देश में मांगे माफी। संसद में हुआ जबरदस्त हंगामा। लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से जमकर हुई नारेबाजी। लोकसभा और राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित। सोमवार तक दोनों सदन की कार्रवाई स्थगित। कांग्रेस ने लोकसभा पर लगाए नारे। अडानी का उठाया मुद्दा। राहुल गांधी को बोलने का मौका देने की मांग। लोकसभा में बीजेपी का पलटवार। लंदन में दिए बयान पर राहुल गांधी से दोहराई माफी की मांग। राहुल को नोटिस पर कांग्रेस का ट्वीट। लिखा अडानी पर राहुल के सवालों से बौखलाई सरकार, पुलिस के पीछे छिप रही है। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव। कहा लोकसभा चुनाव में यूपी में हारी बीजेपी तो देश में भी सफाया। लोकसभा चुनाव से पहले नया गठबंधन बनाने की कवायद। टीएमसी का बयान खुद को विपक्ष का बॉस ना समझे कांग्रेस। अधिवेश के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जो लोग बीजेपी वैक्सीन लेते हैं उन्हें सीबीआईडी का डर नहीं। वरुण गांधी ने कहा आंतरिक मसले देश के भीतर ही सुलझाने में भलाई, बाहर चर्चा अपमानजनक। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा मुझे देश की बात विदेश में करने का शौक नहीं। बिहार विधानसभा में हंगामा। बीजेपी ने नीतीश के मंत्री और आरजेडी विधायक इसराइल मंसूरी का इस्तीफा मांगा। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया हनुमान चालीसा पाठ। सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का विवादित बयान। रामकथा को बताया काल्पनिक। साथ ही कहा राम से ज्यादा कर्मठ रावण। जीतन राम मांझी का बीजेपी पर भी हमला। कहा राम और रावण की बात करने से बेहतर गरीब की बात करे बीजेपी। मांझी के बयान पर आरजेडी ने जताई आपत्ति। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा भगवान राम आस्था के प्रतीक है, राम पर सवाल उठाना ठीक नहीं। ओवैसी ने सरकार पर फिर बोला हमला। कहा चीनी अतिक्रमण पर एक शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री। संसद से छिपाई जा रही असल जानकारी। बीएसपी नए सिरे से करेगी मीडिया सेल का गठन। नए प्रवक्ताओं की होगी नियुक्ति। राहुल गांधी की माफी की मांग पर शशि थरूर का बयान। बोले राहुल के बयान में देश विरोधी कुछ भी नहीं। रांची में भ्रष्टाचार मुद्दे पर विपक्ष का विधानसभा में हंगामा। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना में एक बार फिर नजर आया जहरीला झाग। यमुना की सतह पर तैरता नजर आया सफेद झाग।
राजस्थान में 19 नए जिले बनाने का ऐलान, सीएम गहलोत ने विधानसभा में की घोषणा। राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा के बाद खुशी का माहौल, अजमेर के ब्यावर और केकड़ी को जिला बनाने की घोषणा के बाद आतिशबाजी पर मनाया जश्न। जालौर के संचौर को भी नया जिला बनाने जाने की घोषणा, सरकार को उम्मीद, परिवहन, व्यापारिक और कृषि की दृष्टि से मजबूत क्षेत्र बनकर उभरेगा संचौर। सवाईमाधोपुर की गंगापुर सिटी भी नए जिलों की लिस्ट में शामिल, खुशी जाहिर करने के लिए विधायक रामकेश मीणा के आवास पर पहुंचे लोग, हुई आतिशबाजी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज नीम कातना को जिले की दी सौगात, लोगों ने नाच गाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर जाहिर की खुशी। अयोध्या में रामलला की मूर्ति के निर्माण के लिए कर्नाटक के कारकला से एक विशाल शिला अयोध्या हुई रवाना, पूजा पाठ के साथ भेजी गई दिव्य शिला। अमित शाह ने आरआरआर के अभिनेता रामचरण और उनके पिता चिरंजीवी से की मुलाकात, फिल्म की सफलता और ऑस्कर जीतने की दी बधाई। मथुरा के फरह में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र से किया गया किसान मेले का आयोजन, इस मेले में 11 राज्यों के 1000 से अधिक किसानों ने लिया हिस्सा। हल्द्वानी के रुद्रपुर आईटीआई कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन के लिए पहुंची 15 कंपनियां, कॉलेज के 400 से ज्यादा छात्रों का हुआ चयन, इप्सिलेक करने वाली कंपनियां देंगी ट्रेनिंग। आम से खास बने मुंबई में ऑटो चलाने वाले विकास श्रीवास्तव, एक सिंगिंग रियलिटी शो की बदली किस्मत, अब खुद की निकाली एल्बम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक, वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, शहर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट का किया निरीक्षण। वाराणसी में G20 डेलीगेट्स के लिए आयोजित खास कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, रोशनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में डूबी नजर आई शाह। अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंचे G20 डेलीगेट्स, स्वर्ण मंदिर में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप ने टेका मत्था। महाराष्ट्र का नागपुर शहर हुआ रोशनी से गुलजार, G20 की सिविल सोसाइटी की मीटिंग के लिए तैयारियां जोरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की घोषणा की, इसके तहत महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 1000 रुपये। चीफ जस्टिस ने होशियारपुर के नए अत्याधुनिक जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर का किया उद्घाटन, कहा अब लंबित मामलों का जल्द निपटारा संभव। हल्द्वानी में एसएसपी पंकज भट्ट ने ली क्राइम समीक्षा बैठक, थानों में साफ सफाई के साथ ही लंबित विवेचनाओं में तेजी से कार्रवाई करने के दिए निर्देश। गाजियाबाद में नगर निगम डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर सजगता, एनिमल बर्ड कंट्रोल सेंटर में स्ट्रीट डॉग्स के स्टेरिलाइजेशन के काम में तेजी। नोएडा में एक अजीब वाक्य आया सामने, कार वॉशिंग की नौकरी से निकालने जाने पर गुस्साए शख्स ने 15 गाड़ियों में की तोड़फोड़, वीडियो वायरल। सिक्किम में बर्फबारी में फंसे 1000 पर्यटकों के लिए देवदूत बनी भारतीय सेना, 15 मार्च की शाम नाथुला और तसोंगमो झील से गैंगटॉक लौटते वक्त फंसे थे सैलानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलम में अपना काफिला रुकवाकर स्कूली छात्रों को बांटी चॉकलेट, राष्ट्रपति को अपने बीच पाकर बच्चे हुए काफी खुश। गुरुग्राम में भारत की पहली इलेक्ट्रिक कारों की रेस आयोजित, युवाओं ने कार रेसिंग में दिखाया रफ्तार कदम। सीएसडी फॉर्मेट में आयोजित हुई कार रेस, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का प्रतियोगियों ने रखा ध्यान, दिलीप और पुलकित की जोड़ी ने चैंपियन होने का हासिल किया गौरव। खरगोन में सीएम शिवराज लाडली बहना योजना सम्मेलन में हुए शामिल, महिलाओं के बीच पहुंचकर घुटने टेक कर मांगा आशीर्वाद। बद्रीनाथ धाम में 2 महीने बाद मास्टर प्लान का कार्य शुरू, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्रियों की सुविधाओं का ले रही है जायजा। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित, बर्फ को हटाने में जुटे मजदूर, 25 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ धाम की यात्रा। अब डायबिटीज मरीज भी ले सकेंगे शुगर फ्री गोलगप्पे का स्वाद, आलू की जगह की जा रही है बैगन के भरते की स्टफिंग, सिलीगुड़ी के शुगर फ्री गोलगप्पों की काफी हो रही है डिमांड। लातेहार में महुआ और पलाश के पेड़ स्थानीय लोगों के लिए बने आजीविका के स्रोत, सालाना करोड़ रुपए का होता है कारोबार।
फतेहपुर शेखावटी में गौसेवा संकल्प सभा में गोधाम बनाने का ऐलान। नंदियों को सड़कों पर खुलेआम नहीं घूमना होगा। श्री लक्ष्मीनाथ नंदशिला का किया जाएगा निर्माण। पाली में दशा माता पूजा के लिए उमड़ी महिला श्रद्धालुओं की भीड़। गीत गाते हुए पीपल की पूजा करती दिखी महिलाएं। बुलंदशहर में यूपी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की ओर से कथक का आयोजन। ट्रांसजेंडर्स ने दी भव्य प्रस्तुति। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा वातावरण। जयपुर में 3 दिवसीय योग महोत्सव का हुआ आगाज। हजारों की संख्या में लोग योग महोत्सव में ले रहे हैं हिस्सा। सीएम पुष्कर धामी ने भराड़ीसैंण के गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने चेन्नई में महिला पुलिसकर्मियों के स्वर्ण जयंती समारोह का किया उद्घाटन। विशेष डाक लिफाफे का भी किया शुभारंभ। पठानकोट में रेशम के कीड़ों से रेशम बनाकर भरण पोषण कर रहे हैं कई परिवार। रेशम कीट कोकून के उत्पादन से किसानों को हो रहा है भारी मुनाफा। भागलपुर में 108 फीट अनोखा कावड़ बनाकर आकर्षण का केंद्र। कावड़ यात्रा में उमड़ी कावड़ियों की भीड़। जनकल्याण को लेकर निकाली यात्रा। पहली बार उर्दू में पढ़ा जा सकेगा सामवेद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सामवेद के हिंदी और उर्दू संस्करण का किया विमोचन। थाईलैंड के 4 नागरिकों को श्रावस्ती के डीएम ने प्रदान किया भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र। श्रावस्ती में बौद्ध तपोस्थली के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में पहुंचते विदेशी सैलानी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किडनी पीड़ितों के मामले में किया सख्त निर्देश। कहा जल्द हो पीड़िताओं के किडनी का प्रत्यारोपण। बच्चों के पुनर्वास की भी व्यवस्था हो। सीएम योगी तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। संभल कोल्ड स्टोरेज की घटना पर दुख जताया। कोची में बीजेपी कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट में आगजनी मामले में की सीबीआई जांच की मांग। गुरुग्राम में लाइसेंस व्यापारी की बेच सकेंगे मंडी में सामान। अवैध पार्किंग को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। वाराणसी में बिजलीकर्मियों की शुरू हुई 72 घंटे की हड़ताल। बिजलीकर्मियों ने किया समझौता पूर्ति यज्ञ और कहा कि जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी जाएंगे। अजमेर में अवैध बायोडीजल की शिकायत पर जांच करने पहुंचे डीएसओ की टीम पर हुआ हमला। डीएसओ हुए घायल। मऊ आदिवासी मामले पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। कहा सच छिपाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई या कोई भी जांच हो सच्चाई निकलनी चाहिए। मोतिहारी में गोली मारकर हत्या मामले में परिजन व सैकड़ों ग्रामीणों का प्रदर्शन। गिरफ्तारी की मांग। हनुमानगढ़ में निकाली पानी बनाने की फैक्ट्री पर छापा। बिस्लरी पानी की नकल कर भरी जा रही थी पानी की बोतलें। असम में 10वीं की परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला। छात्रों में काफी आक्रोश। अमेठी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। 48 घंटे पहले बनी सड़क। ग्रामीणों ने हाथ और पैर से नवनिर्मित सड़क को उखाड़ा। नैनीताल में भारी बर्फबारी। घरों की छतों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में देर शाम बेमौसम मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में हुआ जलमग्न। अरावली जिले में ददालिया टिंटोई वनियात सहित कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ बेमौसम बारिश। फसलों को नुकसान की आशंका। गुजरात के अरावली में देर शाम बेमौसम मूसलाधार बारिश। नाले में तब्दील हुई सड़कें। कई इलाकों में हुई जलमग्न। वडोदरा में भी जमकर हुई बरसात और ओलावृष्टि। जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटखनी। केएल राहुल ने खेली नाबाद 75 रन की शानदार पारी। रविंद्र जडेजा ने 45 रन बनाकर टीम इंडिया को मुश्किल से उबारा। भारत ने 61 गेंद बाकी रहते हासिल किया 189 रनों का लक्ष्य। 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने की पहले बैटिंग। 188 रनों पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया की पारी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिशेल मार्श ने की शानदार बल्लेबाजी। 65 गेंद पर 81 रनों की आतिशी पारी खेली। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट झटके। रविंद्र जडेजा को 2 विकेट मिले।
क्रेडिट स्विस के भारत में पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने में जुटा आरबीआई। शुरुआती अनुमान के मुताबिक भारत के बेअसर रहने की संभावना। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को बचाने आए अमेरिका के बड़े बैंक। 11 बैंक डालेंगे $30 बिलियन की पूंजी। शेयरों में आई 10% की बढ़ोतरी। सिलिकॉन वैली बैंक का गुजरात की गिफ्ट सिटी में $200 मिलियन का निवेश। स्टार्टअप्स को डी फंडिंग के जरिए किया गया था इन्वेस्टमेंट। आईडीबीआई के $4 अरब के निजीकरण की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल सकती है सरकार। शेयर मार्केट में जारी उतार चढ़ाव के बीच लक्ष्य से कम रकम मिलने की आशंका के चलते विचार। निल्सन के सर्वे में